एक जरूरी ऐलान। सभी दुकानदार भाइयों से एक बार फिर रिक्वेस्ट की जाती है कि गवर्नमेंट ने जो गाइडलाइंस इशू की है दुकानों के बारे में, उसी के मुताबिक अपनी अपनी दुकान खोले। अगर किसी भी दुकानदार ने गाइडलाइंस की खिलाफ वर्जी की तो इसके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने कल जो ऑर्डर निकाला, हम सारे इन दुकानदार भाइयों से यही गुजारिश करते हैं कि एसओपी का ख्याल करें। रोस्टर के मुताबिक फ्रॉम मंडे टू सैटरडे जिस तरह रोस्टर बनाया गया, उसी रोस्टर का वो ख्याल करें। ऐसा न हो जाए कि किसी दुकानदार को मतलब पछताना पड़े, दुकान सील हो जाए। जो भी वायलेशन करेगा, डीएम की जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की गाइडलाइन है उसका बिल्कुल फॉलो करें। जिस तरह उसने ऑर्डर निकाला, हम इसीलिए यहाँ ये जो हमारी टीम सारी यहाँ है, चाहे एसएचओ कोठीबाग है, चाहे एसएचओ मैसूमा है, क्योंकि ये जो लाल चौका एरिया है इन दोनों के ही ज्यूरिडिक्शन में है। मैं मजिस्ट्रेट हूँ इनके साथ, सारी टीम इनके साथ है। हम यही देख रहे हैं कि ये जो कल का डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने जो ऑर्डर निकाला, चाहे वो ग्राउंड पे 100% इम्प्लीमेंट होता है कि नहीं। अभी हम दौरा कर रहे हैं, देखिए इस वक्त यहाँ इस आइसक्रीम शॉप पे हैं, शायद आपने सुना होगा, इससे पहले भी हमने यहाँ अलका सल्क के सामने ये मेहता एंड को वहाँ हमें शिकायत मिली कि वहाँ एक्सपायरी माल है। हम जब वहाँ गए बिल्कुल 100% सही निकला, हमने उस वक्त उसको सील किया।